नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लोकेश सिंह और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की क्लास है हमारी रिपोर्ट राइटिंग की। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसेंटली न्यूज में बहुत ज्यादा था और वो था क्वाड समिट। आप लोगों ने ये नाम सुना होगा, खासतौर से तब सुनना शुरू किया होगा जब हम लोग कोविड की सिचुएशन से लड़ रहे थे, जब हम लोग कोविड से फाइट कर रहे थे। हम बार बार ये बात कह रहे थे, ये जो कोरोना वायरस है, ये कोरोना वायरस नहीं, ये चाइनीज वायरस है, ये वुहान वायरस है, ये सारे नाम दे रहे थे। कहीं ना कहीं हमने ये बात बोली कि ये जो वायरस है चाइना का, कहीं ना कहीं एक बायोलॉजिकल वॉर के लिए तैयार किया गया वायरस था जो इंडिया के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर, सारे देशों के ऊपर छोड़ दिया। ये बात कितनी सच है कितनी नहीं हमको नहीं पता, पर उस टाइम पर चाइना जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, चाइना जिस तरीके से बिहेव कर रहा था वर्ल्ड के सभी कंट्रीज के साथ, चाइना जिस तरीके से एक्शंस ले रहा था, उससे कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। कहीं ना कहीं वर्ल्ड के लोगों ने इस चीज को मानना शुरू किया कि चाइना भले ही दुनिया के लिए वर्ल्ड की फैक्ट्री हो, चाहे भले ही चाइना वर्ल्ड फैक्ट्री के नाम से जाना जाता हो, चाहे दुनिया भर के मोर देन 50% प्रोडक्ट्स चाइना से ही क्रिएट होकर आते हो, चाइना से ही आते हो, पर फिर भी चाइना वर्ल्ड के हर एक कंट्री के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा थ्रेट पैदा करता है। और इस टाइम पर हमको याद आई एक पुराने समिट की, एक पुराने ग्रुप की, जिसका नाम रखा गया था क्वाड। क्वाड उस समय की सोच थी जिस समय पर हम लोग चाइना को उतना सीरियसली ले ही नहीं रहे थे। तो उस समय से लेकर आज तक की क्या कंडीशन है, क्या आगे वाला फ्यूचर हो सकता है क्वाड का, इसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी है। मैं आपको हर बार कहता हूं, जब आप रिपोर्ट राइटिंग करते हो तो आप ये सोचो कि आप एक जर्नलिस्ट हो, और एज अ जर्नलिस्ट आपको अगर कोई रिपोर्ट लिखनी है तो आपको किस तरीके से उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है, क्या क्या वो पॉइंट्स होंगे, किस तरीके से आपको एक्शंस लेना है, ये सारी चीजें आपको याद क्या करनी होंगी, एक्सप्लेन करनी होंगी। आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए तो फाइनली आज देखते हैं क्वाड के इस टॉपिक को। क्वाड के इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है, वो मेन जो फोकस करना है, वो आपको क्वाड के बारे में बताना है, एंड देन उसके फ्यूचर को बताना है कि आने वाले टाइम पर क्या चैलेंजेस होंगे, किस तरीके से हम लोग इसको लीड कर सकते हैं, किस तरीके से यहां पर हम लोग इसको आगे लेकर आ सकते हैं, क्या ये वर्ल्ड के लिए कौन सी पिक्चर रिप्रेजेंट करेगा, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब नो डाउट क्योंकि क्वाड का मेंबर इंडिया खुद है, तो इंडिया का क्या यहाँ पे रोल रहेगा, क्या स्टांस रहेगा, वो जानना भी जरूरी है। तो बीइंग अ न्यूज़पेपर, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप कौन से पॉइंट्स वहां पे एक्सप्लेन करोगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग के लिए कौन से पॉइंट जरूरी है, व्हाट वाज द इवेंट, क्या इवेंट है, क्या कुछ रिसेंटली हुआ है, कोई अपडेशन हुआ है, कुछ ऐसी बात हुई है रिसेंटली, तो आपको उस चीज पर ध्यान देना है। जैसे कि रिसेंटली जब क्वाड समिट होना था तो ये कैंसिल कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ द जो बाइडन, क्योंकि उन्होंने बोला मैं अपने कंट्री में बिजी हूं तो मैं लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर रहा हूं। ये चीज वो उससे पहले भी कह सकते थे, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले भी बता सकते थे, पर उन्होंने एंड मूवमेंट पर इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। वेयर डिड इट टेक प्लेस, कहां पर ये होने वाला था, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर डेट एंड टाइम आपको वहां पे बतानी जरूरी है। फिर उसके बाद हु वाज इन्वॉल्व इन द इवेंट, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व है, किस क्या क्या उसके ऊपर होने वाले एक्शन है, उन सब चीजों को कवर करना है। हाउ डिड द इवेंट हैपन, किस तरीके का क्या इंसिडेंट हुआ है, कैसी चीजें यहां पर आएंगी, वो सारी चीजें आपको यहां पे एक्सप्लेन करनी है। बट इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आप एंड करोगे तो वहां पे आपको कंक्लूजन नहीं लिखना है, बस एक एंडिंग करनी है कोई पैराग्राफ लिखकर, ठीक है, एक एंडिंग देनी है, बट आपको उसको कंक्लूजन, कोई हेडिंग नहीं डालनी, कोई टाइटल नहीं डालना उसमें, ये चीज ध्यान रखना। तो जब आप न्यूज पेपर पढ़ते हो तो आप कहीं देखते हो कि किसी आर्टिकल में जगह जगह पर टाइटल डाला हुआ है, हेडिंग डाली हुई है, नहीं डाले देखे ना, सिर्फ पैराग्राफ चेंज होते हैं। तो यहां पर भी आपको पर्टिकुलर पैरा टू पैरा चीजें क्या करनी, एक्सप्लेन करनी है। पर ध्यान रखना, मैं जब आपको बता रहा हूं तो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, इसलिए मैं पॉइंट्स आपको अंडरलाइन करके या बताऊंगा, बट आप उसको जब लिखोगे तो कंप्लीट पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखोगे। किस में लिखोगे, पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखोगे, ध्यान से समझना ये बात। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपने टाइटल डाल दिया क्वाड एंड न्यू फ्यूचर ऑफ द क्वाड, या क्वाड प्लस न्यू फ्यूचर, कुछ भी आपने एक टाइटल डाला। टाइटल डालने के बाद आपने अपना नाम लिखा, जैसे कि कोई भी जर्नलिस्ट अपना नाम लिखता है अपने आर्टिकल के ऊपर। नाम लिखने के बाद आपने क्या किया, इवेंट कहां से आप लिख रहे हो, दिल्ली से लिख रहे हो सकता है आप मेलबर्न से लिख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से लिख रहे हो, वो आपके ऊपर है, बट आपने दिल्ली लिखा 24 मई 2023। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जापान एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए क्या करने वाले थे, क्वाड के थर्ड समिट में पार्टिसिपेट करने वाले थे। एक अपने आप में बहुत बड़ी इवेंट होने वाली थी आगे चलकर, क्योंकि जो बाइडेन ने इससे मना कर दिया तो इसका बहुत ज्यादा मजाक बनाया गया चाइना के द्वारा कि ये क्वाड समिट सिर्फ केवल दिखाने के लिए, बताने के लिए, पर ये एक्चुअल में काम नहीं करता,
ये सिर्फ केवल और केवल दुनिया भर को दिखाने के लिए किया कर रहा है। इसको इवेंट को लीड कौन कर रहा था, तो ये एल्बन्स जो थे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, वो इसको लीड करने वाले थे। फाइनली इस समिट को सिडनी में होना था कब, 24 मई को, तो आपने मैंने डेट उसी हिसाब से लिखी 24 मई, ताकि थोड़ा रियलिस्टिक सा लगे देखने में, समझने में थोड़ा अच्छा लगे। हाउएवर क्या हुआ है अभी रिसेंटली, तो रिसेंटली इसको कैंसिल कर दिया गया प्रेसिडेंट के थ्रू अनाउंसमेंट करके कि भैया हमारे यहाँ डेथ सीलिंग बहुत ज्यादा हो गई है, उसके साथ हमें फाइट करना पड़ रहा है। रिपब्लिकन्स डेमोक्रेटिक इनकी आपस में लड़ाई चल रही है अमेरिका में, आपको पता ही होगा, वही डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी और यहाँ पर जो बाइडेन की पार्टी। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इस चीज को बता सकते हो, वैसे तो मैं फोकस इस पे रखूंगा, पर आपको अच्छे से न्यूज को एनालिसिस करना होगा, क्या चल रहा है रिसेंटली वो आपको अच्छे से एनालाइज करना होगा, किस तरीके से यहाँ पे इवेंट्स असर डालते हैं हमारे किसी भी समिट के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अमेरिका वाली बात कर रहे हो, इसके बावजूद भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया विजिट करने के लिए तैयार थे, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो गई कि इंडिया अपने वर्ड्स के ऊपर अभी भी खड़ा है, वो अभी भी ये चीज बोल रहा है कि हाँ मैं इसमें पूरा अपना टाइम दूंगा, मैं इसको पूरी तरह से क्या करूंगा, खड़ा करूंगा इस समिट को, इसको आगे लेकर आऊंगा। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो क्या आती है यहां पर इस समिट को लेकर, कि भले ही एक तरफ जो बाइडेन हट गए हो, पर उससे पहले अमेरिका क्या क्या स्टांस था जो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल पहले इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चार डेमोक्रेटिक कंट्रीज इसका पार्ट हैं, एक क्वाड्रेटर सिक्योरिटी डायलॉग है ये, जिसको क्वाड बोलते हैं हम लोग। इस ग्रुप में हम लोग क्या इंटरनेशनल ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए, इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसको सिक्योर करने के लिए ये सारे काम करते हैं। मेनली इंडिया की तरफ से सिर्फ इंडो पैसिफिक में एक फ्री बिजनेस, एक फ्री राइट्स और इन सबको लेकर बात की जाती है। हम लोग वर्ल्ड की अदर कंट्रीज हमको बोलते हैं कि इंडिया के लिए चाइना एक थ्रेड है, पर हम लोग बोलते हैं उस थ्रेड से, उस समस्या से, हम लोग उस आपदा से हम लोग खुद लड़ लेंगे, आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर हिस्ट्री ऑफ क्वाड की बात करते हैं। तो क्वाड एक फॉर्मल ग्रुप है, देखो अब हिस्टोरिकल इसका इवेंट जान लेते हैं। अब आप ऐसा मत करना आप वहां पर भी हेडिंग डालोगे, हेडिंग सिर्फ मैंने इसलिए डाली ताकि आपको पता चल जाए, ये सिर्फ मैंने आपके लिए डाली है, आप लोग एग्जाम में नहीं लिखोगे, आप डायरेक्टली लिखोगे। द क्वाड इज अ फॉर्मल ग्रुप वाज द फर्स्ट मोटेड बाय द जैपनीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, जिनको अभी रिसेंटली आपको पता है गोली कांड के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। 2007 में इन्होंने इसको क्या किया था, प्रपोज किया था। प्रपोज करने के पीछे मेन रीजन क्या था, मेन रीजन क्या था, क्योंकि जापान लगातार चाइना के अटैक्स को फेस कर रहा था। अब इन अटैक्स की वजह से कहीं ना कहीं जापान को ये चीज फील हुई कि यार हमको कहीं ना कहीं चाइना को टैकल करने के लिए, चाइना को कहीं ना कहीं दबाने के लिए, उसको के ऊपर हावी होने के लिए कुछ तो हमें एक ऐसा ग्रुप बनाना पड़ेगा, कुछ लोगों के साथ, कंट्रीज के साथ एक साथ आना पड़ेगा। जापान की शिंजो आबे ने इस चीज को बहुत अच्छे से स्टडी किया और उन्होंने बोला हमें जो मेजर कंट्रीज का सपोर्ट चाहिए वो है इंडिया, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, उस तरफ अमेरिका। अमेरिका इसलिए क्योंकि अमेरिका के ऑलरेडी सिक्योरिटी अलायसेज है जापान के साथ, ये भी आपको पता होना चाहिए, जापान के साथ ऑलरेडी अमेरिका के सिक्योरिटी अलायसेज है। अब जब जापान ने ये चीज नोटिस कर ली कि लगातार अमेरिका फेल हो रहा है चाइना के अगेंस्ट में, तो अब धीरे धीरे जापान ने खुद बोला कि हाँ अब हम लोग भी क्या करेंगे, वापस से खड़े होने की कोशिश करेंगे, वापस से अपनी आर्मी को, अपनी स्ट्रेटेजिक जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करेंगे इसके लिए। फाइनली इस चीज के लिए उसने फोर्स किया, काफी लोगों से बोला, काफी कंट्रीज से बोला, पुश किया इंडिया को और सारे कंट्रीज को, हम लोगों ने इसको नहीं माना। इंडिया ने बोला यार हमारे ऑलरेडी इतने अच्छे बिजनेस चल रहा है चाइना के साथ, हम क्यों आपके चक्कर में आकर क्वाड बनाए, पता चला हमारा बिजनेस खराब हो जाए। उस समय पर हमारी गवर्नमेंट भी इसी तरीके की थी, ठीक है, नाचती हुई गवर्नमेंट थी कि चलो ठीक है चाइना सपोर्ट करे तो चाइना की तरफ चले गए, वो सपोर्ट करेगा तो उसकी तरफ चले गए। हम लोगों ने जापान की गवर्नमेंट को सीरियस लिया नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने। खैर अब जापान जाता है ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के साथ समस्या ये थी कि ऑस्ट्रेलिया का बहुत सारा सामान, बहुत सारा जो रॉ मटेरियल था वो एक्चुअल में उसको कहां से मिलता था, चाइना से मिलता था, और काफी सारे सामान का प्रोडक्शन चाइना उनको करके देता था, जिसकी वजह से चाइना उनके एक फैक्ट्री की तरीके से था कि अगर हमने चाइना के साथ काम करने से मना कर दिया तो हम जाएंगे कहां। तो ऑस्ट्रेलिया बेचारा परेशान था, खासतौर से कोयला उनको चाइना से मिल रहा था बहुत बड़ी संख्या में। फिर बात आती है अमेरिका की, अमेरिका भी इस चीज को सीरियसली नहीं लेता, क्यों, क्योंकि उसके लिए भी चाइना एक बहुत अच्छा खासा फैक्ट्री के जैसा काम कर रहा था कि हम क्यों चाइना को बेकार में परेशान करें, क्यों हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, क्या मतलब है हमारा, ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो मेरे भी क्या मतलब है, इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो हम भी क्यों आए।
जबकि इनके खुद ऑलरेडी सिक्योरिटी एलाइसिस थे। फाइनली 2017 के में जब एशियन समिट होता है उस टाइम पर इस चीज को और ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है, दोबारा से इस चीज के बारे में बात की जाती है कि हम लोग क्वाड अलायंस को हमको क्या करना चाहिए, खड़ा करना चाहिए। इस टाइम तक इंडिया में गवर्नमेंट हो चुकी है चेंज, इस टाइम तक इंडिया को ऑलरेडी समझ में आ चुका है चाइना हमारे लिए किस तरीके से खतरा पैदा कर रहा है। अगर आप लोग नोटिस करोगे 2014, 15, 16 वाला वो टाइम पीरियड जब हम लोग चाइनीज सामान को लेकर बहुत ज्यादा बाइकॉट बाइकॉट चल रहा था, कोविड के टाइम पर तो बहुत ज्यादा हो गया, बट उससे पहले से ये चाइनीज सामान के बाइकआउट को लेकर बात चल रही थी। तो वो वाला जो टाइम पीरियड है अगर आप याद करोगे तो आपको ये चीज रियलाइज होगी कि हाँ कहीं ना कहीं हम लोग चाइना को ऑलरेडी इस चीज के लिए देख रहे थे कि चाइना कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था इंडिया के लिए। फाइनली 2001 में जाकर ऑस्ट्रेलिया की और अमेरिका की आंखें खुलती हैं 2001 में, क्योंकि कोविड आ चुका है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं क्या कंडीशन थी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप यहां पे होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को लगता है अबे यार ये तो बहुत बड़ा खतरा है, अपने को तो चाइना को सीरियस लेना पड़ेगा, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और इस वजह से फाइनली यहां पे क्या होता है, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये सब एक साथ आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी पहली बार रियलाइज हो रहा है यार ये तो बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है हमारे लिए, ये भले ही हमें कोयला दे रहा है, सारी चीजें दे रहा है, सारा सामान दे रहा है, बट ये तो आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, हम तो कंप्लीटली इनके ऊपर डिपेंड हो गए, हम तो काम करना ही भूल गए हमें चाइना की वजह से, चाइना हमारे लिए सारा काम करेगा तो हम क्या करेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया ने मूव करना शुरू किया है, ऑस्ट्रेलिया ने सोचा चलो मैं इंडिया की तरफ मूव करता हूं और कंट्रीज की तरफ मूव करता हूं, कम से कम जापान, किसी तरह से जापान की जो बात थी वो बाकी कंट्रीज के समझ में आने लगी। फाइनली ये हिस्टोरिकल इवेंट था। अब होता है क्या है आगे, द क्वाड एक्टिवली यहां पे क्या फ्रंट में आकर बात करना शुरू करता है, काम करना शुरू करता है, इसके जो रेगुलर मीटिंग्स होती हैं वो यहाँ पे होनी शुरू हो जाती है फॉरेन मिनिस्टर्स और अदर मिनिस्टर्स की। फाइनली इनकी जो मेन मीटिंग थी वो होती है इनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के बीच में, पर उस मीटिंग से पहले आपको पता ही जो बाइडन ने यहाँ पे फाइनली इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। 2021 में एक वर्चुअल मीटिंग हुई भी थी बट आपको भी पता है कोविड के टाइम पे वर्चुअल मीटिंग्स में उतना कोई खास इंपैक्ट पड़ा नहीं, चाइना काउंटर करने के नाम पर यहाँ पे जरूर बहुत सारे एक्शंस लिए। अब कहीं ना कहीं लोग इस चीज को भी कह रहे हैं ये सिर्फ क्या दिखाने के लिए था, करने के लिए था, बट एक्चुअल में अमेरिका की इंटेंशन कहीं पर भी चाइना के अगेंस्ट में नहीं थी। और अगर आप लोग थोड़ा सा नोटिस करोगे, अब शायद ये हो सकता है कि जैसे इंडिया में पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हम लोग किसी के भी बारे में कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, हम कभी कभी इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज कई बार क्या करती हैं, इंडियन आर्मी को ही नीचे दिखाना शुरू कर देती है, इंडियन आर्मी के अगेंस्ट स्टेप लेने लगती हैं, जैसे एक TSD वाला आपने इंसिडेंट सुना होगा, वैसे अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी क्या पॉलिटिकल पार्टी तो अपने बेनिफिट के लिए किसी के लिए भी ऊपर नीचे करना शुरू कर देती है, किसी भी देश को ऊपर नीचे करने लगती है अपने अकॉर्डिंग। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर, अगर आप देखोगे तो अमेरिका कंप्लीटली चाइना के अगेंस्ट खड़ा था, वहीं पर जैसे ही जो बाइडन आते हैं तो वो कंप्लीटली चाइना के लिए सॉफ्ट स्किल पॉलिसीज लेकर आते हैं कि प्यार से समझाएंगे, समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो कोई बात नहीं, चाइना चाइना है, हम क्या कर सकते हैं। पर वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने कंप्लीटली चाइना को कॉर्नर करने की पूरी तैयारी कर ली थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा बोला भी जाता है कि चाइना ने फोर्स किया था और कहीं ना कहीं अमेरिकन लोगों के दिमाग में डाला है कि जो बाइडन ही सही है, डोनाल्ड ट्रंप गलत है। कहीं ना कहीं होता है सोशल मीडिया का इंपैक्ट जिसको कहते, और ये हम लोग आज के टाइम पर देख भी रहे हैं क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, सोशल मीडिया किस तरह से हमारी लाइफ के लिए थ्रेड बन रहा है इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो फाइनली ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। तो अब इसके बाद क्या होता है, अब यहां पर आती है बात आगे, द फ्यूचर ऑफ क्वाड कैसा है, इज अनसर्टेन है। क्यों है अनसर्टेन, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि मीटिंग में मतलब किस टॉपिक पर प्रॉपर डिस्कशन वो लोग करना चाहते हैं, किस एक पॉइंट पर आकर वो लोग क्या करेंगे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करेंगे। अभी तक हमें वो कंडीशन दिखी नहीं, हमें कहीं पर भी क्वाड की एक प्रॉपर मीटिंग, प्रॉपर एक जो होता है कि एक दिखता है कि हाँ सारे कंट्रीज साथ में आकर खड़े हुए और एक साथ एक स्वर में आकर एक बात कह रहे हो या एक पर्टिकुलर किसी पॉइंट के ऊपर फोकस करें, वो चीज अभी तक हमको नहीं दिखाई दी। तो फाइनली ये चीज यहाँ पे आती है। अब यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब आपने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चाइना के अकॉर्डिंग भी हमारे क्या है बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसके अलावा इंडिया की जो डेमोक्रेटिक चैलेंजेस हैं वो अलग हैं, इन सब की वजह से हमें काफी ज्यादा क्या अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड कर ली कि अभी तक हमारे जो गोल थे वो छोटे थे, शॉर्ट टर्म गोल्स थे, हम लोग अभी आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव देख ही नहीं रहे, फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे इन सब के ऊपर भी अभी हम लोग डिस्कशन नहीं कर पा रहे। अब मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से पॉइंट्स आप यहाँ पे मेन डालोगे, मेन कॉन्टेक्स्ट होने के बाद अब आप कौन कौन से पॉइंट डालोगे ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, पर्टिकुलर पैरा टू पैरा चेंज कर देना ना,
ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है मैंने आपको पॉइंट में लिखकर दिया है, पर आपको इसे कंप्लीट एक पैराग्राफ में लिखना है, ध्यान से समझ लो। चैलेंजेस करके मत लिख देना, सीधे लिखना द क्वाड ग्रुप ऑलरेडी फेसिंग अ फ्यू चैलेंजेस, इस तरह से लिखकर सीधे सबसे पहले क्या लिखोगे, चाइना हैज बीन अ क्रिटिकल ऑफ द क्वाड, ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन पैदा कर ही रहा है, नो डाउट हमको पता है क्या कंडीशन पैदा कर रहा है, ठीक है, सीम्स टू अ पोटेंशियल थ्रेट ऑफ द इंटरेस्ट, द चाइना हैज द अक्यूज्ड ऑफ द क्वाड ट्राई टू कंटेन द राइज एंड द वॉर्न अगेंस्ट द अटेम्प्ट ऑफ द एशियन नाटो। तो कहीं ना कहीं चाइना ने बोला कि अमेरिका और जो जापान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये कहीं ना कहीं एशियन नाटो क्रिएट कर रहे हैं मेरे अगेंस्ट में, और वो ये भी कह रहा है कि ये काफी हद तक ये कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि मुझे क्या कर सके, मुझे कंट्रोल कर सके, मुझे बांधने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि एक ग्रुप होता है चारों तरफ से घेरने का, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग शतरंज खेलते हो, तो शतरंज खेलते हो तो क्या करते हो आप लोग, शतरंज में आप लोग एक किसी राजा को रानी को क्या करते हो, चारों तरफ से घेर लेते हो। एग्जैक्टली यहां पर भी चाइना वही बात कह रहा है कि मुझे चारों तरफ से क्या घेरने की कोशिश की जा रही है, कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है इन सब कंट्रीज के थ्रू, ठीक। अब सबसे पहली चीज, दूसरी चीज क्या आती है, इंडियन डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल चैलेंजेस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, यहां पर थोड़ी समझने वाली बात। अब ये चीज बड़ी अजीब है एज अ फैकल्टी, वैसे तो मुझे एक प्रॉपर थॉट के साथ आपको दोनों साइड दिखानी जरूरी है, बट अनफॉर्चुनेट कंडीशन क्या है कि यहां पर मेरे पास ये पॉइंट थोड़ा सा अजीब सा हो गया मेरे साथ, क्योंकि रिसेंट जो न्यूज आई है अभी हाल ही में, आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग है कहां पे, अमेरिका में, यूएसए में, और ये काफी बड़े लेवल की मीटिंग है, और इसी समय ठीक इससे एक महीने पहले, अभी कुछ दिन पहले, दो हफ्ते पहले की बात है कि राहुल गांधी जी इंडिया से गए अमेरिका, और वहां पे जाकर उन्होंने जो बाइडेन से, कमला हैरिसन से डिस्कशन किया है, फिर उसके बाद उन्होंने कई जगह मीटिंग्स भी की हैं, और उसके अलावा उन्होंने वहां पर एक पर्सन है जिसका नाम है डोनाल्ड लू, ये वो पर्सन है जिसको हम लोग रिजीम चेंजर बोलते हैं, ये वो पर्सन है जिसका नाम आप लोगों ने इमरान खान के मुंह से बहुत सुना होगा, ठीक है। इमरान खान बोलता है कि मेरी सरकार गिराने के पीछे, मेरी देश में ये जो अनस्टेबिलिटी आई है पाकिस्तान में, उसके पीछे एक्चुअल में डोनाल्ड लू है। ये कौन कह रहा है, इमरान खान कह रहा है, और एक्चुअल में डोनाल्ड लू का जो शुरू से वो रहा है वो यही रहा है, वो पहले पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान के बाद वो इंडिया में भी काम किया, इंडिया में उनको स्पेसिफिकली जो पोस्ट दी गई थी वो दी गई थी डिप्लोमेटिक ऑफ द कश्मीर रीजन, तो वो कश्मीर के उन लीडर से बात कर रहे थे जो एक्चुअल में अलगाववादी टाइप के लीडर थे, वो उन लीडर के साथ डिस्कशन कर रहे थे, इंडियन गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद राहुल गांधी डोनाल्ड लू से डिस्कशन कर रहे हैं। अब ऐसे पर्सन के साथ डिस्कशन करना जो ऑलरेडी, जिसको रिजीम चेंजर बोला जा रहा है, एक ऐसा पर्सन जिसको ऑलरेडी कई देशों के जो कंट्री के लोग हैं वो सब इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, उसे अमेरिका में जिस पोस्ट पर बैठाया गया है वो पोस्ट एक्चुअल में एशियन डेस्क है उसकी, जहां पर वो एशिया की पॉलिटिकल कंडीशन को स्टडी करता है और उनके ऊपर काम कर रहा है। आप अगर आप ऐसे पर्सन के साथ डिस्कशन कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये सब चीजें चल रही हैं, और आप जा कब रहे हो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ठीक एक महीने पहले आप अमेरिका जा रहे हो, विजिट कर रहे हो और इन सब लोगों से मिल रहे हो, और इसके ऊपर ना तो आप बता रहे हो और ना ही अमेरिका का जो हाउस है सेनेट बता रहा है कि हाँ भाई आपका राहुल गांधी आया है हमसे इन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिस्प्यूट क्रिएट करता है, और इससे हमें पता चल जाती है कि भाई इंडिया की जो पॉलिटिकल चैलेंजेस है वो बहुत ज्यादा बिगड़े हुए कंडीशन है, कि कब कौन सी पार्टी किस तरह का मतलब कांड करके सामने आ जाए, हमें सामने दिख जाए, तो हमारी कंडीशन बहुत खराब है इस मामले में। ये बस सच है कि अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हम किसी भी स्तर तक चले जाते हैं कई बार, ये पॉलिटिकल पार्टीज का किया गया ये जो काम है ये बहुत ज्यादा गलत है, इससे कहीं ना कहीं इंडिया की जो इमेज है उसके ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव धब्बा लगता है, और ये धब्बा ऐसा है कि इसे आप मिटाना चाहोगे तो भी नहीं मिट पाएगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी अच्छा दिखाने की कोशिश करो, आप नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी, एक हेल्दी डेमोक्रेसी की कंडीशन इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ही नहीं आने दे रही है। आप बात समझो, मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं, बट ये जो एक्शन हो रहा है, आप चाहे कितने भी अपोजिशन में हो, आप चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, पर अगर आप ठीक है आप देश के नागरिकों के लिए गलत हो, आप कैसे भी पॉलिटिकली गलत हो, कुछ भी हो, बट आप एक ऐसी कंडीशन में कंट्री को लेकर जा रहे हो जहां पर देशद्रोह जैसी कंडीशन क्रिएट हो रही है, आप अपने बेनिफिट के लिए आप किसी और देश की कठपुतली बन रहे हो, फिर कहां हमारे देश की इंटीग्रिटी रह जाएगी, नहीं रहेगी ना, फिर सामने वाला बोलेगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो,
मजबूरी है, फिर आपको नाचना पड़ेगा अमेरिका की उंगलियों पर, है ना। तो आप इस चीज को समझो, कहीं ना कहीं इंडिया के जो पॉलिटिकल चैलेंजेस है वो बहुत ज्यादा मतलब इंपैक्ट डाल रहे हैं इसके ऊपर नेगेटिव। लेटर ऑफ द क्लियर ऑफ द कंसेंस ऑफ द टर्म, लॉन्ग टर्म गोल यहां पे क्लियर नहीं है। अभी हमको एक शॉर्ट टर्म गोल मिल गया कि चाइना को कॉर्नर करना, तो हम लोगों ने उसके ऊपर बहस करनी शुरू कर दी, बट लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा। या फिर अगर हम लोग डिस्कशन करें यहां पर कि हम लोग इंडो पैसिफिक को ही स्ट्रांगली बिल्ड करने की बात करें, तो इंडो पैसिफिक को भी आप किस तरीके से सामने लेकर आना चाहते हो, या आपके क्लियर ऑब्जेक्टिव है आने वाले सालों में इंडो पैसिफिक को, ये क्लियर नहीं है। फिर नेक्स्ट चीज क्या आती है, अपॉर्चुनिटीज। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, हेडिंग नहीं डालनी अपॉर्चुनिटी, सीधे आपको पैराग्राफ लिखना पूरा पूरा, ये सिंगल पैराग्राफ है, मैंने आपको पॉइंट इसलिए बताया ताकि आपको इजीली रहे समझ रहे। क्या क्या है, ग्रोइंग द स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, तो यहां पे पहली चीज। दूसरी चीज क्या है यहां पे, इंक्रीजिंग द इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, और चौथी चीज है प्रमोटिंग द रीजनल सिक्योरिटी। तीनों चीजों को मैं एक साथ बता देता हूं। तो क्वाड मेंबर्स जो हैं वो सबसे पहले क्या, एक कॉमन स्ट्रेटजी को बिल्ड करें, एक कॉमन टारगेट के ऊपर फोकस करें कि क्या क्या हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स होंगे, किन कौन कौन से हमारे इंटरेस्ट हैं, कौन कौन से हमारे इंटरेस्ट एरियाज हैं जिनके ऊपर हमको काम करना, उन चीजों को डिसाइड किया जाए। दूसरी चीज क्या, इकोनॉमिकल जो कॉपरेशन है उसको इंक्रीज किया जाए। कहीं ना कहीं वर्ल्ड के आज के टाइम पर मैक्सिमम कंट्रीज इंडिया को देखते हैं कि इंडिया हमारा वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो हमारे लिए सारे काम कर सकता है। इंडिया हमें रॉ मटेरियल भी दे सकता है, इंडिया हमें रॉ मटेरियल के साथ साथ हमें सर्विसेज दे सकता है, इंडिया हमें बहुत अच्छे लेवल पर क्या मैन्युफैक्चरिंग दे सकता है, इंडिया हमें बहुत अच्छे लेवल पर क्या हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दे सकता है, सब कुछ इंडिया दे सकता है। तो आज के टाइम पर इंडिया वर्ल्ड के लिए एक बहुत अच्छी खासी हैप्पीनेस वाली कंडीशन में है कि यार ये यहां से हमको हर एक चीज मिल सकती है, ये वो सुपर मार्केट है जहां पे आपको हर एक चीज मिल जाती है सस्ते दामों पर। इंडिया एक्चुअल में इस वक्त वर्ल्ड की उस मेक इन इंडिया जो हम लोग लेकर आए हैं उसका मेन पर्पज ये था कि आप इंडिया में बनाओ, फिर बाहर कहीं पर भी लेकर जाओ, हम आपके ऊपर टैक्सेस टैरिफ कम कर देंगे, पर बाहर से इंडिया में लेकर आओगे तो हैवी टैरिफ देने पड़ेंगे। तो हमने वो कंडीशन दी है वर्ल्ड के लोगों को कि आप आइए इंडिया में आकर ये सारे काम कीजिए। तो एक बेटर वर्ल्ड बनाने की इंडिया एक्चुअल में कोशिश कर रहा है। हम अपने बेनिफिट नहीं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। खुद आप सोचो कि इंडिया इकोनॉमिकल कॉपरेशन को किस लेवल पर लेकर जा रहा है कि वो काम भी कर रहा है, और उसके साथ साथ G20 का ये एक अकेला ऐसा मेंबर है जो 2% तक कार्बन इमिशन को कम कर रहा है। अपने जो टारगेट एक्चुअल में G20 कंट्रीज ने रखा था, पेरिस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, समिट जो हुआ था हमारा क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसमें खुद जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने वर्ड बोले थे उसके हिसाब से 2 to 2.5% तक का जो ट्रिलियन जो इमिशन है कार्बन इमिशन उसको कम करने की बात, इंडिया उसके ऊपर फोकस कर रहा है। इंडिया बोल रहा है कि 2030 तक हम लोग उस कंडीशन में जाने की कोशिश करेंगे, हम कार्बन न्यूट्रल बनने की कोशिश करेंगे, हम इतना कम कर देंगे कि इंडिया में वापस से 2005 वाली कंडीशन आ जाएगी। तो जो कितना ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं इस चीज पर, तो इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी क्रिएट कर रहा है और वर्ल्ड के और लोगों को भी दे रहा है, और इस चीज का बेनिफिट कहीं ना कहीं क्वाड भी उठा सकता है। सेकेंड थिंग क्या आती है, जो रीजनल सिक्योरिटी है उसको यहां पर क्या किया जा सकता है, फोकस किया जा सकता है। रीजनल सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक कंट्रीज में, खासतौर से इंडो पैसिफिक में अब इंडिया भी आता है, जापान भी आता है। अब इसे वर्ल्ड देखो, ये भी एक बड़ी समस्या मैं आपको बताना भूल गया, जब हम लोग बोलते हैं इंडो पैसिफिक, तो इंडो पैसिफिक का मतलब क्या है, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, उन पूरे एरिया को मिलाकर इंडो पैसिफिक बोला जा रहा है। चाइना इस चीज से भी परेशान है, क्यों क्यों आप आइडेंटिकली उसको इंडो पैसिफिक बोल रहे हो, इससे कहीं ना कहीं इंडिया की अपनी आप पब्लिसिटी हो रही है, और ऐसा आज से नहीं हो रहा, ऐसा कई लंबे टाइम से हो रहा है, बट चाइना इससे बड़ा चिढ़ता है। चाइना इससे बड़ा चिढ़ता है कि यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप उसे इंडो पैसिफिक क्यों बोल रहे हो, आप उसे अलग क्यों रख रहे हो। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि चाइना इंडियन ओशन का नाम चेंज करके कुछ और नाम रख रहा है, किसी और नाम से उसको बुलाता है अपने यहां। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट डालती हैं, और हम लोगों को रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि चाइना का आपको पता ही है ये रीजनल छोटे छोटे एरियाज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है, उनके वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, कैप्चर करने की कोशिश करता है। हम लोग ऑलरेडी गलवान इंसिडेंट देख चुके हैं, हम जापान के साथ ऑलरेडी आइलैंड्स के इश्यूज को देख चुके हैं। अब ऐसे में हमें कहीं ना कहीं ऐसे और कंट्रीज को भी फोकस करना चाहिए जो ऑलरेडी इसके इसमें फंसे हुए हैं, इन सब चीजों को फेस कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि हम लोग जब देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर का इंसिडेंट देखते हैं, मेनली जो चाइना है उसे इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में इंटरेस्ट क्यों है, वो हमसे क्या बोलता है,
कि हम अरुणाचल के ऊपर क्लेम करना छोड़ देंगे अगर आप इंडिया स्काई चीन पर क्लेम छोड़ दे। पर इंडिया छोड़ता नहीं है, इंडिया बोलता है अरुणाचल तो हमारा है ही और वो भी हमारा इंटीग्रल पार्ट है यार, हम ऐसे कैसे क्लेम छोड़ दे। आपने धोखे से उसको अपने हाथ में ले लिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो आपका हो गया भाई। सीधी बात है, आज नहीं तो कल हम उसे वापस लेंगे ही लेंगे, ठीक है। भले ही हमें थोड़ा टाइम लगेगा, भले ही हमारी अभी पॉलिटिकल कंडीशन अच्छी है उतनी अच्छी नहीं हो पा रही, भले ही अभी हमारे पास जो हमारी सरकारें हैं या हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी नहीं है, अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो जाए आज के टाइम पर, हमारी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग है कि अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज या अपोजिशन में जो पार्टीज बैठी हैं पॉलिटिकल पार्टीज, अगर वो आज के टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो जाए, 100% इंडियन गवर्नमेंट पूरा का पूरा पार्ट वापस ले लेगी चाइना से। हमारी आज के टाइम पर पॉलिटिकल कंडीशन बहुत स्ट्रांग है, अनफॉर्चुनेट कंडीशन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से जो क्रिएट हो रही है वो बहुत खराब है। इसीलिए इंडिया में पॉलिटिकल चेंजेस कभी भी हो जाते हैं, चैलेंज है वो अपने आप में बहुत बड़ा। तो अगर हम लोग यहां पे सपोर्ट में रहते, या फिर अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल गलवान इंसिडेंट को अगर आप याद करोगे, उस टाइम पर अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ खड़े होकर गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो जाती, सपोर्ट में खड़ी होती, तो बोल दी आप एक्शन लो हम आपके साथ खड़े हैं, जो होगा देखा जाए, तो जो कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता। चाइना आने वाले कई सौ सालों तक सोचता कि यार दोबारा इंडिया के ऊपर ऐसा कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना है, लिटरली बहुत बड़ा स्टेप होता है इंडिया की तरफ से। खैर अब फ्यूचर पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं, फिर से वही बात, हेडिंग नहीं डालनी है, सीधे पैराग्राफ पूरा पूरा एक ही बारी में लिखना, कोई हेडिंग नहीं डालनी है। मैंने हेडिंग सिर्फ इसलिए डाल रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कौन कौन से पॉइंट है, अदरवाइज आप पूरा एक ही बारी में लिखोगे। सबसे पहले स्ट्रेटनिंग द पार्टनरशिप, की जो भी पार्टनरशिप है उसको क्या करो, जितना हो सकता है उतना ज्यादा क्लोज और बेटर बनाने की कोशिश करो। जो अपने सीधी सी बात है, आपके जो पॉलिटिकल एडवांटेज है उनको अलग रखो, जो पॉलिटिकल एडवांटेजेस है आप उनको अलग रखो, पर आपके कंट्री को देखते हुए जो आपके नेशन आपके जो देश के लिए जो ज्यादा बेटर कंडीशन हो सकती है उसको फोकस करके रखो। अगर आप लोग पॉलिटिकल एडवांटेजेस को देखकर, फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल अमेरिकन के लिए काम करते, वो उनका सीधा फंडा है कि हमारी सरकार सिर्फ अमेरिकन के लिए और अमेरिका के लिए काम करती है, हम अमेरिकन लोगों को वापस लेकर आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, उनका बहुत क्लियर फोकस था। और ये थॉट एक्चुअल में अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने दिया था। आज के टाइम पर जो बाइडेन की पार्टी, जहां डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी एकदम चाइना के अगेंस्ट थी, वहीं पर जो बाइडेन की पार्टी एकदम बिल्कुल मतलब चाइना के कदमों पर आकर झुककर बैठी हुई है, कितनी बुरी स्थिति है सोचो। तो सबसे पहले आपको यहां पर अपने क्या जो पार्टनरशिप है उसको ज्यादा बेटर बनाना पड़ेगा, उसको बेटर बनाने के लिए आपको अपने पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको साइड रखना पड़ेगा और अपने देश को फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको सिक्योरिटी ट्रीटीज, इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लगातार करना पड़ेगा। और फॉर एग्जाम्पल जापान के ऊपर कोई अगर थ्रेट होता है और इंडिया को पता चलता है तो इंडिया क्या करे, तुरंत एक्शन ले, तुरंत जापान को अवेयर करे इन सब चीजों के लिए। अमेरिका ऑलरेडी इतना ज्यादा स्ट्रांग है, उसके सैटेलाइट इतने स्ट्रांग है, वो इन सबके ऊपर काम कर सकता है, बट इंटेंशन हमें स्ट्रॉन्ग लेकर आनी पड़ेगी। इकोनॉमिकल कॉपरेशन हमको बढ़ाना पड़ेगा, जो भी हमारे इकोनॉमिकल बेनिफिट्स हैं एक दूसरे के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, साझा करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे इकोनॉमिक, ताकि हमारी इकोनॉमी क्या कर सके, एक साथ ग्रो कर सके। अब यहां पर क्या समस्या आती है, मैं आपको एक बहुत सीधा एग्जाम्पल देता हूं। अमेरिका इस चीज से बड़ा चिढ़ा हुआ है, इंडिया की इस चीज से अमेरिका बड़ा चिढ़ा हुआ है कि आपने हमारी कंपनीज के ऊपर बड़े हैवी टैक्सेस लगा रखे हैं। अभी एक छोटा सा एग्जांपल है, जॉनसन एंड जॉनसन, ये कई सारे मेडिकल प्रोडक्ट्स और सब सारी चीजें बनाते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन के पाउडर को लेकर आपने सुना होगा, टेलकम पाउडर को लेकर, कि इससे कैंसर होने की कंडीशन होती है और इंडिया में इसको बैन कर देना चाहिए। सोचो, और ये चीज ऑलरेडी अमेरिका में 2.5-3 साल पहले बंद हो चुकी है, आज से 3 साल करीब, शायद 3-3.5 साल की बात है, उस समय बंद हो चुका है अमेरिका में, और इंडिया में अभी ये 3.5 साल बाद बात हो रही है। तो अपना सड़ा गला जितना प्रोडक्ट था, बकवास प्रोडक्ट था जॉनसन कैंसर वाला, वो इंडिया में बेच रहा है। अब इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट बेचोगे तो हम आपके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाएंगे, हैवी ड्यूटीज लगा देंगे और आपकी कंपनी को बैन कर सकते हैं। अब जब इंडियन गवर्नमेंट इस तरह के एक्शन लेती है तो अमेरिका को बुरा लगता है, यार आप हमारी कंपनी के साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, आप हमारे ट्विटर के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आप हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। एक छोटा सा पेसमेकर जो इंडिया में इंडियन कंपनी बना रही है, जिसकी कॉस्ट लगाने के बाद, पूरे ऑपरेशन के बाद, सारी चीजें करने के बाद नॉर्मली 1-2 लाख रुपए पड़ती है, वहीं पर जब वही पेसमेकर जब अमेरिका से बनकर आ रहा है तो उसकी कीमत और उसकी पूरी बनावट और सब कुछ करने के बाद आदमी की 10 लाख रुपए जा रही है ऑपरेशन के बाद कॉस्ट। तो क्यों ना हम लोग इंडियन प्रोडक्ट को प्रेफर करें, क्यों हम लोग उनके ऊपर हैवी टैक्सेस ना लगाएं। अब अमेरिकन परेशान है, यार हमारे प्रोडक्ट के ऊपर इतने हैवी टैक्सेस लगा रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, भाई सीधी सी बात है ना,
आप कंडीशन तो ऐसी लेकर आओ, क्यों अब इंडियन गवर्नमेंट क्यों लगा रही है? इंडियन गवर्नमेंट बोला भाई ये कंडीशन वाइस वर्सा होगी, अगर आप हमारी कंपनीज के ऊपर हैवी टैक्सेस लगाओगे तो हम आपकी कंपनी के ऊपर लगाएंगे। अमेरिका बोलता है आप कम कर दो, हम बोलते हैं ठीक है हम कर देंगे, जितना आप कम करोगे उतना हम कम कर देंगे। आप अगर हमारी कंपनीज के ऊपर 20% लगाओगे तो हम आपकी कंपनी के ऊपर 20% लगाएंगे, आप अपनी कंपनी के ऊपर 5% कर दो हमारी कंपनी के ऊपर, हम आपकी कंपनी के ऊपर 5% कर देंगे, वाइस वर्सा कंडीशन है ना, एक जैसा कंडीशन रखो। वहां पर अमेरिका तैयार नहीं होता, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है क्वाड के साथ कि अमेरिका अपने बेनिफिट के लिए, अपने मॉनिटरी बेनिफिट, नो डाउट इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, और अमेरिका नो डाउट भले ही कितना भी डेवलप हो, भले ही वर्ल्ड को लीड करने वाली कंट्रीज में से एक है, बट अनफॉर्चुनेट कंडीशन है कि अमेरिकन सबसे पहले अपने लालच को आगे रखता है, और ये सच है। मैं भले ही एक बड़ी कैजुअली ये बात बोल रहा हूं बट ये बात सच है। आप अमेरिका के इतिहास को कभी भी देख लो, अमेरिका की हिस्ट्री अमला अमेरिका के इतिहास को देख लो, या आप अमेरिका से इंडिया के रिलेशन को देख लो, आज तक एक भी ऐसी कंडीशन, एक भी ऐसा दिन नहीं आया है जिस दिन अमेरिका ने 100% इंडिया को सपोर्ट में आकर खड़ा होकर बोला कि हाँ मैं इंडिया के साथ खड़ा हूं, आज तक एक भी कंडीशन नहीं आई है। चाहे आप 1947 से लेकर आज तक का टाइम देख लो, कभी भी अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा ही नहीं हुआ है कि मैं खड़ा रहूंगा, जबकि वहीं पर रशिया इंडिया के साथ कंप्लीट खड़ा हुआ है, हर एक कंडीशन में रशिया हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो हम लोग क्यों ना रशिया के साथ प्रोडक्ट खरीदें, क्यों ना हम लोग अपनी डिफेंस डील्स, डिफेंस स्ट्रेटजीज सारी सारी रशिया के साथ करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। और अमेरिका इस चीज को समझता नहीं, रशिया अमेरिका के लिए सिर्फ मॉनिटरी बेनिफिट इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है ये चीज आपको समझनी होगी। फिर एक्सपेंशन ऑफ क्वाड प्लस, हमको इस चीज पर भी ध्यान देना पड़ेगा, हमें और कंट्रीज को भी यहां पर लेकर आना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर बोलूं वियतनाम, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बोलूं आपसे ताइवान, ये वो कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी चाइना के इस थ्रेड को फेस कर रही हैं, चाइना की इस समस्या से लगातार जूझ रही हैं, उनको पता है कि चाइना हमारे लिए किस तरीके से समस्याएं पैदा कर रहा है, और उस चीज से बचने के लिए कहीं ना कहीं हमें ऐसे कंट्रीज को मौका देना चाहिए, ऐसे कंट्रीज को भी यहां पर लेकर आना चाहिए। एटलीस्ट आप भले ही उनको डायरेक्टली क्वाड में मत लेकर आओ, पर एक ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में, एक विजिटिंग कंट्री के रूप में तो आप उसको मीटिंग में बुला ही सकते हो, डिस्कशन फोरम पे लेकर आ ही सकते हो, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत सीरियस मैसेज यहां पे देते हैं। अब मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको, आप ऐसे समझो जो चाइना ने ऑलरेडी तिब्बत वाला रीजन कैप्चर कर रखा है, तिब्बत एक कंप्लीटली ऑटोनोमस एक इंडिपेंडेंट कंट्री रीजन था, बट उसको क्या कर लिया, चाइना ने कैप्चर कर लिया। हम लोग आज भी चाइना का जब मैप बनाते हैं तो उसमें तिब्बत अलग से लिखते हैं, यहां पे आपको एक बात समझनी होगी। सोचो अगर इंडियन गवर्नमेंट एक थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दे, वो कंप्लीटली तिब्बत को ड्रॉ करके बनाना शुरू कर दे, ये तिब्बत है, और तिब्बत की जो एग्जाइल गवर्नमेंट इस वक्त इंडिया के धर्मशाला में, उसको हम लोग इंडिया के दिल्ली में स्टेब्लिश कर दें, एक कंप्लीटली वहां पे उनकी क्या डिप्लोमेटिक, जैसे होता है ना डिप्लोमेटिक हाउस बने होते हैं, ठीक है राजदूतों के क्षेत्र बने होते हैं, इस तरीके से कंप्लीट एग्जाइल गवर्नमेंट को दिल्ली में लाकर बैठा दें कि भैया ये तुम्हारी जगह है और यहां से तुम अपनी गवर्नमेंट चलाओगे। अब तो जो कितना सीरियस इंपैक्ट पड़ेगा इस चीज के ऊपर, कितना ज्यादा सीरियस इंपैक्ट पड़ेगा कि चाइना खुद इस चीज को फेस करेगा, चाइना खुद एकदम से बोलेगा अरे ये आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बट इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए हमारे पास इतने अच्छे दोस्त होने जरूरी है, हमें पता होना चाहिए कि कल अगर हम लोग कुछ करते हैं, हम अगर कोई एक्शन लेते हैं तो कौन कौन सा वो देश है जो हमारे साथ खड़ा है ना, आपको ये चीज समझ। वैसे हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है चाइना को काउंटर करने के लिए, हमारे पास, हम लोग आज के टाइम पर इतना स्ट्रांगली अपने आप को तैयार कर चुके हैं कि हम लोग टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं। इंडियन आर्मी के कई इंपॉर्टेंट जो लीडर्स हैं, इंडियन आर्मी के कई इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर्स हैं मेजर जनरल की पोस्ट पे, उन लोगों ने ऑलरेडी इस चीज को कई बार बोला है, कई बार बताया है, कई बार हमारी, अब यहां पर भी समस्या है कि हमारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं पॉलिटिकली, वो बोलते हैं कि इंडिया टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार नहीं है, वहीं पर इंडियन आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के कई हमारे ऑफिसर्स ये चीज कह चुके हैं कि इंडियन आर्मी बड़े आराम से टू फ्रंट वॉर को टैकल कर सकता है, इजिली टैकल कर सकता है, एक तरफ अगर पाकिस्तान है दूसरी तरफ चाइना, तो हम लोग बड़े आराम से यहां पर टैकल कर सकते हैं। और ये बस सच है, चाइना चाहकर भी इंडिया को ओशियन रीजन से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इतना बड़ा रास्ता तय करके वो ओशन साइड में नहीं आएगा, और इनकेस वो आता भी है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एक वॉल की तरह से हमारे पास अंडमान निकोबार है, हमारे ऑलरेडी सिक्योरिटी के हिसाब से अगर हम लोग देखें, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग वहां पे क्या कर रखा, अपने फोर्सेस को बैठा रखा है।
इसीलिए चाइना क्या कर रहा है, कभी श्रीलंका को अपना डेथ ट्रैप में फंसाता है, कभी किसी और कंट्री को फंसाने की कोशिश करता है, कभी कोको आइलैंड को लेकर काम कर रहा है। तो वो कर क्यों रहा है, ताकि इंडिया को किसी तरह से वहां पर ही फंसाया जा सके। और इतना सब कुछ करने के बाद भी चाइना कंप्लीटली अपने लिए वो एक होता है ना क्रिटिकल कंडीशन लेकर ही नहीं आ पा रहा। तो क्वाड कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको यहाँ पे इस चीज को समझना पड़ेगा। फिर आता है यहाँ पे चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज को हम लोग को टारगेट करना चाहिए, हम लोगों को इस डाइवर्स कंडीशन को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी बैकलैशेस आ रहे हैं उनको हम लोगों को खत्म करना चाहिए, अपने इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को, अपने कॉपरेशन को, अपने कलेक्टिव मतलब जो एक टारगेट्स है उनको सामने रखना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पर आती हैं। एंड इसी के साथ आपका आता है यहाँ पे फाइनल क्या, एंड द न्यू क्वाड इज अ यंग ग्रुप, नो डाउट 2007 में आया है, सिर्फ प्रपोज किया गया था, आया नहीं था, आया ये 2021 में ही एक्चुअल में सामने है। सही से काम करना इसने 2021 के बाद ही किया है एक्चुअल कंडीशन। वो आप भले ही 2017 2007 की बातें बोलो, वो हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए बस, पर वहां पे कोई एक्शन नहीं हुआ। काम करना इसने 2021 से ही शुरू किया, तो एकदम न्यू एक ग्रुप है, बट इट हैज अ पोटेंशियल टू बी अ मेजर फोर्स फॉर द गुड इन आ इंडो पैसिफिक रीजन। ध्यान से समझना, कौन से रीजन के लिए, इंडो पैसिफिक रीजन। बार बार ये वर्ड आ रहा है कि ये इस रीजन के लिए क्या काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। द क्वाड फेस अ नंबर ऑफ चैलेंजेस बट इट आल्सो हैव द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। भले ही हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस है, बट वी आल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी टू टैकल ऑल दिस प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस। ठीक है, हम उन सबसे टैकल कर सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ द क्वाड इज डिपेंड ऑन अ एबिलिटी टू ओवरकम द चैलेंजेस एंड द कैपेसिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। कि पूरा पूरा जो क्वाड है वो एक्चुअल में किसके ऊपर, उसके चैलेंजेस और उसके अपॉर्चुनिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आज का टॉपिक था, ये हमारे रिपोर्ट राइटिंग था। अब बात करते हैं हम लोग होमवर्क की। आपके आपका होमवर्क क्या है, पहली चीज न्यू क्वाड के ऊपर ये जो टॉपिक बताया इसके ऊपर आपको खुद भी क्या करना है, एसे राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग आपको करनी है। आप चाहो तो इसके ऊपर आर्गुमेंट राइटिंग भी कर सकते हो, टॉपिक इतना अच्छा है। सेकेंड थिंग, आज का होमवर्क क्या है, इज इंडिया नीड न्यू डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी। क्या इंडिया को न्यू डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज को लेकर आना चाहिए, क्या अपडेशंस करने चाहिए, इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट लिखनी है। क्यों लिखना है, आपको अभी रिसेंटली पता है हम लोगों ने दो ट्रेजिडीज देखी, एक बालासोर ट्रेन ट्रेजिडी देखी, दूसरा फिर अभी हम लोग बाइजॉय सॉरी बिबजॉय जो हमारा साइक्लोन आया हुआ है गुजरात वाले रीजन में, वहां पर हम लोग अभी टैकल कर रहे हैं। हम लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज को अच्छे से समझना होगा कि क्या हम लोग अभी स्ट्रेटजी लेकर चल रहे हैं, हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट जो पॉलिसीज है वो किस तरीके से काम करती है, हमारा उससे जुड़े हुए डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करते हैं, स्टेट लेवल पर किस तरीके से काम होता है। इन सारी चीजों को हमको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से समझना है, और इसके ऊपर क्या करनी है, हमको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। होमवर्क क्या है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस होमवर्क को लिखते टाइम आपको हर एक करंट में क्या कंडीशन है, क्या समस्याएं हैं, उनसे हम लोग कैसे लड़ रहे हैं, और फ्यूचर में क्या समस्याएं आ सकती हैं, उनसे हमको किस तरह से लड़ना है, उन सारी चीजों को आपको यहाँ पे क्या करना है, एड्रेस करना है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके आप लोग टॉपिक बताओ कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। साथ ही साथ प्लीज वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका ये प्यार हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को प्यार दीजिए, प्लीज इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों भाई बहनों तक पहुंचाइए। पेपर टू CAPF अगर आपका यहां से तैयार हो रहा है तो मैं पक्की गारंटी दे रहा हूं, आप अगर इन टॉपिक्स को कवर कर लोगे तो पेपर टू में जब आप बैठोगे तो आपको लगेगा, कॉन्फिडेंस फील करोगे कि हाँ सर आपने बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा था। मैं सिर्फ बाकी वीडियोस की तरह, बाकी लोगों की तरह सिर्फ ये नहीं बताना चाहता कि ये स्ट्रेटेजी अपना लो, ये ट्रिक्स अपना लो, ये शॉर्टकट्स अपना लो, नहीं, इन सब से पेपर क्लियर नहीं होता। पेपर क्लियर होता है आप क्या पेपर में लिख कर आओगे, और मैं आपको वही कंटेंट वही नॉलेज यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। आई होप आपके दिलों तक मेरी बात पहुंची होगी, और प्लीज अगर बात पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। फिलहाल अभी मुझे दीजिए विदा, थैंक यू सो मच, जय हिंद।